तो हमारे शास्त्रों में दो विद्याओं का जिक्र है, परा और अपरा विद्या। परा विद्या अध्यात्म की विद्या है, स्पिरिचुअलिटी की वो साइंस है। अपरा विद्या के अंतर्गत हमारे और हमारे धर्मशास्त्र जो लिखने और पढ़ने की विद्याएं हैं वो अपरा विद्या के अंतर्गत आती हैं। अनेकानेक सत्संगों में आपने सुना होगा कि नारद जी बड़े प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने शास्त्रों का, वेदों का पठन पाठन किया, पर अपने जीवन में कभी सद्गुरु नहीं बनाया। और इस बात को बड़े अच्छे तरीके से हमारे पुराणों में रखा गया है कि भगवान विष्णु से वार्तालाप करने के बाद एक दफे नारद जी को वापस जाना पड़ा। भगवान के समकक्ष पहुंचे तो क्या देखा कि वहां मट्टी उठाई जा रही है। उन्होंने कहा, भाई मैं तो यहां पर खड़ा था, भगवान से खड़ा होकर वार्तालाप कर रहा था, तो लोगों ने कहा जी ये जहां जहां आप खड़े थे वहां की मट्टी अपवित्र हो गई है और इसके कारण हम इस मट्टी को उठा रहे हैं। नारद जी ने कहा, भाई ऐसा इतना अशुद्ध तो मैं नहीं हूं, कितना भयंकर अपवित्र हो गया कि जहां मैं खड़ा था वो मट्टी भी वहां अपवित्र हो गई। भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा, नारद तुम अभी निग्रह हो, तुमने गुरु नहीं बनाया, क्योंकि जब तुम गुरु बनाओगे और तुम्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा, अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त होगा, तब तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूरा होगा। तो भगवान का ऐसा कहने पर कि तुम निगुरे हो इसलिए ये धरती अपवित्र हो गई, ये नारद जी को सुनने को मिला। नारद जी ने कहा कि मैंने शास्त्रों को पढ़ लिया, वेद शास्त्रों को मैंने पढ़ा। तो भगवान ने कहा कि जो औरों का अनुभव था वो तुमने पढ़ा, तो गीता में भगवान कृष्ण का ज्ञान देना, अर्जुन को ज्ञान प्राप्त करना, ये पूरा संवाद है, ये हमने पढ़ा। पर जो ज्ञान जिसके बारे में पूरी गीता आधारित है वो ज्ञान तो नहीं मिला। ऐसे ही वेदों के अंदर मंत्र दृष्टाओं ने मंत्रों को आत्मसात किया, उसको अनुभव किया, वो उन्होंने लिखा, अपना एक्सपीरियंस लिखा। तो हमने जो एक्सपीरियंस था वो पढ़ा। जैसे एक बहुत बड़े लेखक थे, घुमक्कड़ लेखक थे, राहुल सांस्कृतायन, तो जगह जगह के बारे में उन्होंने लिखा कि मैं किन्नर देश में गया, मैं हिमाचल में गया, मैं हिमालय में गया, बड़े ट्रैवल्स, बहुत यात्राएं उन्होंने लिखी, आपने पढ़ा भी होगा उनका नाम। तो बड़ी विचित्र बातें उन्होंने लिखी हुई हैं, जहां जहां गए जो जो देखा वो सब लिखते चले गए। हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं पर जो अनुभव उनको प्राप्त हुआ वो हमें नहीं होता है। हिमालय पर कैसे यात्रा करते हैं, उस पर कितना पसीना बहाना पड़ता है, कैसे कैसे चढ़ने पे भूख लगती है, कहां कहां पड़ाव होते हैं, ये तो आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा तभी जब आप खुद चलोगे। यात्रा में तो वो लिख देगा कि भाई मैं वहां पहुंचा, रात्रि का समय ऐसा था, ये सब लिख देगा।
पर उसको एक्सपीरियंस करने को आपको उसमें जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो अपरा विद्या है वो दूसरों का जो अनुभव है वो हमने पढ़ा पर हमें अनुभव नहीं हुआ। अपने आप अनुभव प्राप्त करने के लिए हमें वो एक्सपीरियंस चाहिए और उसके लिए हम गुरु के पास जाते हैं। और नारद जी ने यह तय किया कि जो प्रातःकाल जिसको मैं सबसे पहले देखूंगा उसको गुरु बनाऊंगा। नारद जी प्रातःकाल चलने लगे तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि मछुआरा उनके समीप आता है। पर क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में संकल्प ले लिया था कि जिसको सबसे पहले मैं देखूंगा उसको गुरु के रूप में धारण करूंगा, तो मछुआरे को ही अपना गुरु बना लिया। आप बड़े प्रसन्न होकर के पहुंचे भगवान विष्णु के पास कि महाराज आपने कहा था गुरु बनाना, मैंने गुरु बना लिया है, एक मछुआरे को बना लिया है, गुरु तो बना लिया पर वो मछुआरा है। भगवान ने कहा तुमने ये जो पर लगा दिया कि गुरु मछुआरा है, भाई इससे तो तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। अब नारद जी बड़े परेशान हो गए कि ये तो बड़ी, मैं तो नरक से निकलने के लिए गुरु बनाया था, यहां तो अब नरक ही जाना हो गया। खैर सायकाल नारद जी का मुंह लटका हुआ था तो उन्होंने अपने गुरु के पास गए, प्रणाम किया। मछुआरे ने कहा भाई आज क्यों तुम्हारा मुंह लटका हुआ है, अब तो तुमने गुरु बनाया, तुम्हें प्रसन्नचित्त होना चाहिए कि भाग्य बड़े सदगुरु में पायो। तो नारद जी ने कहा प्रभु मैं क्या करूं, मैंने गुरु तो बनाया पर मेरे मुंह से भगवान के सामने ये निकल गया कि मैंने गुरु तो बनाया है पर वो मछुआरा है। अब ये पर जो मछुआरा कह दिया, इस पर भगवान ने कहा तुम्हें अब नरक जाना पड़ेगा, नरक का भोग भोगना पड़ेगा और इससे मैं बड़ा व्यथित हूं। तो गुरु महाराज कहने लगे रे चिंता की बात क्या है, जब तुमने मुझे गुरु बनाया है तो उसका समाधान भी हम ढूंढेंगे, तुम प्रसन्न चित्त हो जाओ। नजदीक बुलाया और कान में कुछ बताया, नारद जी प्रसन्न हो गए, गुरु महाराज ने उनकी समस्या का हरण कर दिया, समाधान कर दिया। भगवान के पास पहुंचे कि प्रभु आपने कहा कि भाई मुझे नरक जाना पड़ेगा, मैं तैयार हूं पर ये तो बता दो नरक है कैसा। तो भगवान ने एक तिनका उठाया और जमीन पर एक नक्शा खींचा, देखो ऐसा है नरक। भगवान ने नरक क्या बनाया कि नारद जी उसमें उछल के बैठ गए कि प्रभु ये नरक भी आपका बनाया हुआ है, वो नरक भी आपका बनाया हुआ है, मैंने नरक में जाना था मैं पहुंच गया। तो भगवान मुस्कराने लगे, कहने लगे ये युति तो तुम्हें तुम्हारे गुरु नहीं बताई होगी, क्योंकि लुकमान हकीक ने, ही वॉज अ ग्रेट मेडिसिन मैन लुकमान हकीम, ही मेड आइडेंटिकल स्टैचूज ऑफ हिमसेल्फ, absolutely identical. So when God of death came, Lukman Hakim, who was a great medicine man, also stood among the statues. तो लुकमान ने अपने जैसे कई लुकमान बनाए, identical बनाए, हूबहू बनाए। जब यमराज आया तो यमराज confused हो गया, उसने कहा भाई मैं क्या ले जाऊं, किसको ले जाऊं, ये तो सब एक जैसे खड़े हैं, जुड़वा भाई की तरह खड़े हैं। आज के युग में उसको क्लोनिंग बोलते हैं, आइडेंटिकल आप खड़ा करके बना दें, क्लोन कर दें। तो लुकमान हकीम ने क्लोन्स बना दिए। तो ये देख के यमराज तो अचंभित हो गया, काफी देखने के बाद उसने कहा लुकमान हकीम कमाल है, वाह। पर एक गलती रह गई। तो लुकमान ने कहा क्या, उसने कहा यही कि तू बोल सकता है या बोल नहीं सकती है। तो ये बोलने की जो है, ये जो हम श्वास ले रहे हैं श्वास छोड़ रहे हैं, आजकल तो योग पर बड़ा
लोगों का बड़ा ध्यान है, सब लोग आजकल प्राणायाम कर रहे हैं, पर अगर हम श्वास ना लें तो क्या होता है कि हमारी एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाती है, हमारा दम घुटने लगता है और हम कहते हैं भाई हम श्वास ले लें, अगर श्वास नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे। पानी के बिना थोड़ी देर तक हम जीवित रह सकते हैं, भोजन के बिना भी कुछ समय हम जीवित रह सकते हैं, पर श्वास के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ये श्वास इतने एसेंशियल हैं, जिसको हम जिसके ऊपर प्राणायाम कर रहे हैं, जिस पर जोर दिया जा रहा है, लोम विलोम किया जा रहा है। ये प्राण क्या है? इसीलिए कहा निरंजल माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत, श्वास श्वास चल जात, और संसारी नर समझे ना ही वृथा उमर बिहात। निरंजल माला घट में फिरे दिन रात, हमारे महापुरुषों ने तो कहा श्वास श्वास सुमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चंद। तो हमारे संतों ने तो श्वास को समझने को कहा कि श्वास क्या है। श्वासा खाली जात है तीन लोक का मोल, ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 14 लोक न पड़तरे काहे धूल मिलाए। और इस श्वास को हम भूल बैठे हैं। आज का आदमी दुखी क्यों है, अशांत क्यों है, कि उसने सारे संसार को तो जान लिया पर अपने आप को नहीं जान पाया। आज समुद्र के गर्भ में क्या है, कितनी चट्टाने हैं, कौन कौन सी वहां पर जो है खाइयां हैं, इसको हमने डिसाइफर कर लिया। हिमालय कैसे बढ़ रहा है, हर वर्ष हिमालय 1 इंच ऊपर बढ़ता है। ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये धक्का मार रहा है एशिया के ऊपर, और इससे हमारा हिमालय बढ़ रहा है, तभी भूकंप आ रहे हैं। तो हिमालय हर साल में 1 इंच ऊपर बढ़ता है और सबसे नई श्रृंखलाओं में है, पर्वतों में। तो ये भी साइंस ने जान लिया, बड़े बड़े अन्वेषण करके, बड़ी बड़ी खोजें करके, सब कुछ पहचानने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, पर अपने आप को व्यक्ति जान नहीं पाया। और हमारी स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्मवाद में यही कहा जाता है कि मानव तू अपने आप को जान। यूनान के दार्शनिकों ने भी कहा, फिलोसफर्स ने कहा मैन नो दाई सेल्फ, ए मानव तू अपने आप को जान। जब हम एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, बाहर मुखी हो जाते हैं, तो संसार के अंदर फंस जाते हैं। संस्कार संसार के संस्कारों को बटोरते रहते हैं, और जब इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं, जैसे कछुआ है खतरे में अंतर्मुखी हो जाता है, सारे अपने अंगों को अपने अंदर समेट लेता है, उसकी सुरक्षा हो जाती है। इसीलिए योग की परिभाषा हमारे ऋषियों ने की, चित्त वृत्ति निरोधश्च योगा। योग का है चित्त की वृत्तियों का निरोध। जो हमारा मन संसार में चंचल है, कितना चंचल है, कितना वेगशील है, कब मन रंग तुरंग चढ़े, कब मन सोचत है धन को। आप यहां बैठे हैं, शरीर यहां उपस्थित है, पर मन कहीं कहीं चिंतन कर रहा होगा, दौड़ रहा होगा। हम यहां बैठे हैं, मन कहीं का कहीं दौड़ रहा होगा, और इसी के कारण हम बैठे रह जाते हैं सत्संग में, और मन कहीं और दौड़ रहा है, इसीलिए दुखी हैं। तो कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा। जहां हम बैठे हैं वहां मन हम लगाएं, मन की चंचलता को समाप्त करें। और यही बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई, और अर्जुन कहता है प्रभु निसंदेह मैं वायुमंडल की गठड़ी बांधना आसान समझता हूं,
अब वायुमंडल कितना बड़ा है, इसमें एटमॉस्फेयर आ गया, इसके परिधि के बाहर स्ट्रेटोस्फीयर आ गया, तो कितना बड़ा यह वायुमंडल है। और उसको भी कंटेन करने की बात अर्जुन कर रहा है कि इसको भी गठड़ी के मूत में एनवलप करना आसान है, धरती को बाणों से वेद करके जल को प्राप्त करना भी आसान है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर धरती के अंदर वो बोर करते हैं और वहां आर्टिजियन वेल पैदा हो जाता है, चारों तरफ से प्रेशर पड़ता है, पानी निकलने लग जाता है। उत्तराखंड के पहाड़ों में जगह 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 पर जो है ट्यूबवेल लगा दिए गए हैं, बोरिंग करके हैंडपंप लगा दिए गए पहाड़ों में, क्योंकि चारों तरफ का पानी आ जाता है। तो अर्जुन कहता है यह भी आसान है, हिमालय जैसे स्थिति में जहां चट्टाने हैं वहां भी बोर करके हैंडपंप लगा दिए गए, और वो कहता है यह भी आसान है। उसके लिए उपकरण होते हैं, मशीनें होती हैं, फंड्स चाहिए, हो जाएगा। पर मन को एकाग्र करने के आगे कहता है प्रभु ये बड़ा दुष्कर है, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बिकॉज द माइंड इज विसिलिएटिंग इन द वर्ल्ड, ये संसार के अंदर भटक रहा है, कहीं टिकता नहीं एक जगह पर, और जब टिकेगा ही नहीं, दौड़ता रहेगा, भागता रहेगा, हांप रहा है। तो ऐसी स्थिति में अर्जुन कहता है बड़ा मुश्किल है, दुष्कर है। अब जो अर्जुन द्रौपदी को वर के लाया, द्रौपदी का वरण कैसे किया, तो आपको पता है कि वहां पर एक प्रतियोगिता थी, उसमें एक मच्छी टांगी गई, मच्छी घूम रही थी और नीचे एक कढ़ा था, उस मच्छी का रिफ्लेक्शन कढ़ाई में पड़ रहा था, और यह शर्त थी कि कढ़ाई में मच्छी को देख करके, रिफ्लेक्शन को देख करके, और तब मच्छी की आंख को तीर से बेधा जाए। उसको भी अर्जुन ने हासिल कर लिया, उसमें कितना कॉन्सेंट्रेशन की आवश्यकता होगी आप सोच लो। मच्छी घूम करके आती है, कितना उसमें टाइम लैप्स है, उसको भी वो रिफ्लेक्शन में देख रहा है, आमने सामने नहीं, इनडायरेक्ट, और वहां देख करके ऊपर सिर के ऊपर तीर छोड़ता है और तीर जाके मच्छी की आंख में लगता है और वो द्रौपदी का वहां वरण करता है। उस समय तो वो अर्जुन के वेशभूषा में नहीं था, साधारण व्यक्ति की वेशभूषा में था। तो कहने का अभिप्राय है कि जो अर्जुन ऐसा काम कर सकता है, गांडीव अपने हाथ में पकड़ सकता है, वो भगवान से कहता है कि मन, मन को काबू करना बड़ा मुश्किल है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बहुत दुष्कर है। तो भगवान कहते हैं निश्चय तुम ठीक कहते हो, पर अभ्यास और वैराग्य से हे कौंते ये वश में हो सकता है, इट इज पॉसिबल बाय प्रैक्टिस एंड बाय रेनाउंसिएशन, अभ्यास और वैराग्य। अब भगवान ने जब कह दिया कि अभ्यास से और वैराग्य से, अब अभ्यास हम किसका करें, सबसे बड़ा प्रश्न पैदा होता है किसका अभ्यास करें, जब लोगों के पास ज्ञान ही नहीं है तो किसका अभ्यास करें। तो यहां सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है, तभी भगवान कहते हैं फलम पत्रम पुष्पम, फल पत्र पुष्प जो भी है वो लेकर के गुरु महाराज के दरबार में जाकर के श्रद्धा से छल कपट को त्याग करके और जब तुम उनकी सेवा करोगे और उनका हृदय प्रसन्न होगा तब वो तुम्हें आत्मबोध कराएंगे, वो विधि बताएंगे जिसका तुम अभ्यास करोगे और संसार से वैराग्य होगा,
तो निश्चित रूप में इस मन पर तुम विजय प्राप्त कर सकते हो, और जिसने मन जीत लिया उसने सारा संसार जीत लिया। तो इसलिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभ्यास और वैराग्य, संसार से वैराग्य। संसार जिसके अंदर ड्यूअलिटी है, जिसके अंदर मन घूम रहा है, और संसार का कोई भी एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि आपने उसको प्राप्त किया और आप सैचुरेट हो गए, तृप्त हो गए। पानी पीना है, अब गर्मियां हो रही तो पानी पीते रहते हैं, ऐसा ठंडा पानी तो कोई है नहीं, एक दफे पी लिया और हमेशा के लिए प्यास बुझ गई। पानी तो बार बार पीना पड़ेगा, खाना बार बार खाना पड़ेगा। एक किताब को आपने पढ़ा, आप पहली बार उसको पढ़ते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम यू रीड अ बुक, योर माइंड गेट कॉन्सेंट्रेटेड, आप कहते हैं इट्स अ वंडरफुल बुक। दोबारा आप उसको पढ़ते हैं क्योंकि उसमें मन लगता नहीं है, आप तो पढ़ चुके हैं उसे, तो आप कहते हैं इसमें अब आनंद नहीं है। तो आनंद कहां है? आनंद है मन की एकाग्रता में। और ये अगर अभ्यास से भगवान के सच्चे नाम में एकाग्र हो गया तो आपको आनंद ही नहीं परमानंद प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो रहस्य है इसको सदगुरु समझाते हैं, और इसीलिए कहा, कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल पड़े फीकी पड़ी बारात। ये संसार के अंदर आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है और संसार रूपी बारात फीकी पड़ जाती है। तो इस जो ज्ञान की चर्चा यहां हो रही है वो है राज विद्या। भगवान कहते हैं सब विद्याओं की राजा है, करने में अति सरल है और वो नाशवान नहीं है, अविनाशी है। जो कुछ भी हम करते हैं वो शुरुआत होती है, उसका अंत होता है, जिसकी शुरुआत होगी उसका अंत होगा, परंतु वो अविनाशी है और अविनाशी होने के लिए उसका प्रारंभ और अंत नहीं होगा। जो था है और रहेगा, तो उसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, एको सुमरो नानका जल थल रहो समाए, दूजा काहे समरिए जामे ते मर जाए। वो जल थल सबके अंदर जो समाया हुआ है, मच्छी प्राण लेती है, अगर प्राण ना ले, प्राण अपान की क्रिया करती है, अगर ना करे तो मच्छी जीवित नहीं रहेगी। आकाश में चिड़िया उड़ती है, वो भी श्वास लेते हैं, अगर श्वास ना मिले उनको तो वो भी जीवित नहीं रहेंगे। धरती पर मनुष्य चल रहे हैं, ये भी श्वास लेते हैं, पेड़ भी श्वास लेते हैं, अगर पेड़ों को श्वास ना मिले तो पेड़ भी मर जाएंगे, दे ऑल्सो ब्रीद। तो कहा एको सुमरिय नानका, उस एक का सुमरण करो जो जल थल में सब में समाया हुआ है, रम रहा है। तो ये हमारे संतों ने इशारा किया, बताया। इसलिए भगवान कहते हैं वो राजविद्या है, सब विद्याओं की राजा है, और सब विद्याओं की राजा किस लिए है? कि जब मनुष्य के शरीर के अंदर इंद्रियों का परस्पर विरोध हुआ, सब ने कहा हम बड़ी हैं, हम बड़ी हैं, आंख ने कहा हम बड़े हैं, हमारे बिना शरीर जो है उसका निर्वाण नहीं हो सकता। कुछ समय के बाद जब आंख लौट के आई और आंख ने शरीर से पूछा कि तुम कैसे जीवित रहे, तो शरीर ने कहा जैसे अंधा व्यक्ति जीवित रहता है। कान चले गए, कान के बाद कहा तुम कैसे जीवित रहे, कहा जैसे बहरा व्यक्ति जीवित रहता है। पैर चले गए, कहा जैसे एक लेम व्यक्ति, पंगु व्यक्ति जीवित रहता, वैसे हम जीवित रहे। पर जब प्राण जाने लगे तो सारी इंद्रियां शीतल पड़ गई, तो सबने हाथ जोड़ के कहा कि प्राण तुम ही हम में श्रेष्ठ हो, तुम्हारे बिना हम एग्जिस्ट करते ही नहीं है। जब प्राण राजा बन गए तो राजा का ज्ञान क्या होगा? राज विद्या, राजा की विद्या राजा होगी। तो जो सब में हमारे राजा है उसका ज्ञान ही राज विद्या का ज्ञान है, और उसको जीव प्राप्त करने के बाद जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए सज्जनों, हमारे महापुरुषों ने
यही कहा, पवित्राय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। ये भारत को महापुरुषों ने वचन दिया है कि जब जब संकट पड़ेगा, क्योंकि भारत के अंदर गुरु को मानने की परंपरा है, हम आध्यात्मिक जीवन के लिए हम गुरु को मानते हैं। गुरु को कीजिए दंडवत कोट कोट प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु अपने समान बना लेते हैं। वैसे चार प्रकार के भक्त होते हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। एक भक्त वो होता है जब विपदा पड़ती है तो त्राहिमाम करके प्रभु को याद करता है, आर्थ। अर्थार्थी लाभ के लिए, मेरी लॉटरी लग जाए प्रभु मैं इतना आपको दे दूंगा। जिज्ञासु खोज रहा है, जानता नहीं है, ढूंढ रहा है। और भगवान कहते हैं चारों प्रकार के भक्तों में जो ज्ञानी है वो मेरा ही रूप है, क्योंकि तत्व से वो मुझे जानता है। तो आइए ज्ञानी बनकर के हम भारत को महान बनाएं। आज भारत माता को ज्ञानियों की आवश्यकता है, इसीलिए मैं कहता हूं आज स्कूल तो बड़े बड़े खुलते जा रहे हैं, विद्या के केंद्र बड़े खुलते जा रहे हैं, पर आज क्या कारण है कि हम समाज के अंदर विवेकानंद नहीं बना पा रहे? आज क्या कारण है समाज के अंदर हम शिवाजी महाराज नहीं पैदा कर पा रहे हैं? आज समाज के अंदर हम झांसी की रानी नहीं पैदा कर पा रहे हैं, नचिकेता को नहीं पैदा कर पा रहे हैं? क्योंकि आज समाज के अंदर अध्यात्म समाप्त होता जा रहा है। इसलिए अध्यात्म के जरिए हमें भारतवासियों को आत्मज्ञानी बनाना पड़ेगा। जब हम ज्ञानी बनेंगे तब भारत महान बनेगा। तो भारत को महान बनाने के लिए हमें अध्यात्म का प्रचार करना है। और जैसे एक मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती को प्रकाशित करती है, उसी भावना के साथ कि दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो आज सूर्य बनके प्रकाश देने की आवश्यकता है। समाज से हम बहुत कुछ लेते हैं, पर समाज को देना भी चाहिए।